वेलकम टू माय चैनल इंडिपेंडेंट सेल्फ लर्निंग। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम GSTR 3B नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो gst.gov.in साइट को आप ओपन कर लेंगे फाइल करने के लिए। साइट ओपन होते ही आपको आपके राइट हैंड साइड पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। क्लिक ऑन लॉगिन। देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे आपको GST यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है। एंटर द कैप्चा कोड एंड क्लिक ऑन लॉगिन। नेक्स्ट पेज पर आपको GST डिपार्टमेंट का होम पेज दिखाई देगा। इस पेज पर आपको रिटर्न टैक्स बोर्ड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर जिस मंथ के लिए आपको GST 3B नील रिटर्न फाइल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2021 अप्रैल मंथ का नील रिटर्न फाइल करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ फाइनेंशियल ईयर में ड्रॉप डाउन से 2021 को सेलेक्ट करूँगी। मंथ में अप्रैल मंथ सेलेक्ट करूंगी एंड क्लिक करती हूँ सर्च ऑप्शन पे। नेक्स्ट पेज जो आपका लॉगिन होगा वो आपका रिटर्न डैशबोर्ड लॉगिन होगा, जहाँ पर आपको GSTR 1, GSTR 3B एंड मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे मंथली GSTR 3B ऑनलाइन रिटर्न प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन को। आफ्टर द क्लिक आपका जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पर एक GST डिपार्टमेंट की तरफ से पॉपअप शो अप करेगा, उसको आपको ओके पे क्लिक करना है। पॉपअप पे इट इज जस्ट द नॉर्मल नोटिफिकेशन। देन आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नील रिटर्न एज पर द फाइल्ड, तो यहाँ पर आपको येस नो में से येस सेलेक्ट करना है और बाकी नीचे के ऑप्शन पर आपको कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं करना है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करते ही आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाती है नील रिटर्न के लिए एंड आपका देन नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर वाइट बॉक्स पे आपको चेक बॉक्स लगा देना है, जैसे कि मैं माउस से मूव कर रही हूँ। एंड यहाँ पर आपको ऑथराइज पर्सन का नेम सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन पे, जो कि GST लॉगिन पर आपका ऑथराइज पर्सन है, जिनके DSC या EVC कोड मोबाइल नंबर पर आपको EVC रिसीव होगा। क्योंकि मेरे पास EVC का ऑप्शन भी है, तो मैं यहाँ पर फाइल GSTR 3B विद EVC का ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ। नाम सेलेक्ट करके जस्ट अ रैंडम एरर है, आप इसको अगेन नेम सेलेक्ट करके फाइल GST रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एरर चला जाएगा। आप देख लीजिए स्क्रीन पर ही। यस, नाउ अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन फाइल GSTR 3B विद EVC कोड। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ऑप्शन पर, ये OTP एंटर करने के लिए मुझे मैसेज पॉपअप करेगा। ये OTP जो मुझे रिसीव होगा, ये OTP मुझे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर रिसीव होगा, जो कि GST डिपार्टमेंट की साइट पर रजिस्टर्ड है। तो मेरे पास ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है, तो मेरे को यहाँ पर मेल भी रिसीव हो गया है, तो मैं ईमेल ओपन करके यहाँ पर OTP को कॉपी कर लूँगी। OTP आप कॉपी भी कर सकते हैं और डायरेक्ट OTP वाले पॉपअप पर टाइप भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से OTP को कॉपी कर लेती हूँ।
और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। आफ्टर एंटरिंग द ओटीपी क्लिक ऑन वेरीफाई। वेरीफाई पे क्लिक करते ही मुझे एक मैसेज पॉपअप करेगा कि दैट जीएसटीआर 3B नील रिटर्न हैज़ बीन फाइल सक्सेसफुली और मुझे एआरएन नंबर मिल जाएगा। ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।